बचपन से ही जो मूर्तियों का काम कर रहा हूँ और 5 साल से इको फ्रेंडली गणेश बनाता हूँ। गणेश जी के 10th हुए और जहाँ मैं नाज मिलाता हूँ, दूध मिलाता हूँ, ये केमिकल के जो है कलर नहीं है बिल्कुल भी, पानी वाले हैं, जो पानी से कोई भी नुकसान नहीं रहता है। और जो BOP के जो सराते हैं गंगा जी में, उसमें केमिकल के कलर होते हैं और जो है मछलियों को नुकसान होता है इससे, और जहाँ से ये फायदा है ये मिट्टी बह जाती है और जो इसमें 5 तरह के नाज हैं वो मछलियों का पालन हो जाता है बस। तो आमदनी ये है कि मैं कहता हूँ कि जो भी पूजा करे वो जाए की करे, जो हमारी आमदनी बढ़ जाए और पर्यावरण को फायदा, और सबको फायदा ही मिलता जाए बस। जी को फ्रेंडली गणेश की मूर्तियाँ बना रहे हैं हम मिट्टी की। इसमें 5 तरह के अनाज हैं। इसे फायदा है जो गंगा जी में मूर्तियाँ सिरेंगी तो जो मट्टी है वो तो बह जाएगी, और जिसमें अनाज मिलाया है वो मछलियाँ खा लेंगी। इससे ये अंतर है, जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई हैं हमने उससे मछलियों को कोई नुकसान नहीं है, और जो BOP की मूर्तियाँ हैं उससे मछलियों को काफ़ी नुकसान है, जिससे सही आमदनी हो रही है। पर हम तो लोगों को जागरूक करा रहे हैं कि इको फ्रेंडली ही मूर्तियाँ मिट्टी की इस्तेमाल करें, उसी से पूजा करें।